नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के सबसे बड़े अमक समाचार के इस वीडियो में। देश और दुनिया के तमाम बड़े और महत्वपूर्ण काम के खबरों को लेकर आपके बीच में फिर से हाजिर हो चले हैं। चलिए सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आज की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार ने यहां कहा कि 9 महीनों तक सत्ता की कुर्सी को छोड़ा, आपने वो भी दौर देखा होगा कैसा था। इन सभी चीजों को बोलते हुए उनका दर्द झलका। एक बार फिर से आपको बता दें कि बेरोजगारी रैली पर निकल सकते हैं तेजस्वी यादव, आया बड़ी खबर। अगर आप भी चाहते कि तेजस्वी की सरकार बने तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ जीतन राम मांझी पर आज जमकर नीतीश कुमार ने बोला बड़ा हमला। जीतन राम मांझी को किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ को बोला, विस्तार से आपको बताएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। इसके साथ ही बड़ी खबर के माध्यम से बताया जाएगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की 7वें चरण के मतदान के संपन्न हो जाने के बाद में कितनी परसेंट जीत का हुआ दमेदार वोटिंग। इसके दौरान कोरोना पर नया संक्रमण की खबर, बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबर इस वक्त की। सबसे पहले आज की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार समाज सुधारो अभियान के तहत आज वह कई जिलों पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही गर्व के साथ मैं इस बात को कहता हूं कि संपूर्ण शराबबंदी को जब मैंने लागू किया उस समय मेरे विरोधियों ने मुझे क्या कुछ कहा, मैंने सब कुछ सुना। आज सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी मेरा विरोध किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, उनकी मंसूबा सही नहीं है। बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लालू प्रसाद यादव ने अपने दो नेताओं को किया पार्टी से निलंबित। पार्टी पर जी हां, लगातार उन नेताओं पर इस बात का आरोप लगा कि जब से जी हां बिहार विधानसभा परिषद के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी वह तमाम पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे और वोट मांग रहे थे। इन सभी चीजों पर आरोप लगा, लालू प्रसाद यादव ने सख्त कदम उठाया और दोनों नेताओं को बर्खास्त कर दिया है। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर सामने आई, बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़े युद्ध को लेकर के यूक्रेन की राजधानी क्यू में हुआ बड़ा हमला। रूसी सेना ने हवाई हमला किया। आपको बता दें रिहायशी इलाके पर हुए हमलों के दौरान एक महिला के बच्चे और आपको बता दें एक परिवार पूरी तरीके से यहाँ आपको बता दें कि नस्तनाबूत हो गया। इन सभी चीज़ों के बीच में यूक्रेन पर बड़ा जी हाँ आपको बता दें कि दबाव बनता हुआ भी नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में सबसे बड़ी खबर आई सामने, बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को लग सकता उत्तर प्रदेश में जबरदस्त झटका। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रही है तमाम भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां, जैसे कि बिहार की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मूड बनाया। चुनाव में काट रही है भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक। इन सभी चीजों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा जी आपको बता दें कि खोखली होती हुई दिखाई दे उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर। बड़ी खबर, बड़ी खबर आ रही है मुकेश सहनी ने किया अपील, कहा कि मदस्य विभाग का बिहार में मंत्री हूं और इतना ही नहीं, जब भी कोई या मलाह का बेटा इतने बड़े पोस्ट पर आता है तो उसे इस बात का या गर्व महसूस होता है कि मैं अपने समुदाय के लिए, मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में भी हमारी आवाज़ मजबूती के साथ उठे, इसलिए आप भोज करें और भारतीय जनता पार्टी को औकात दिखाएं कि वह कितने में है। इन सभी चीज़ों को लेकर बड़ी खबर आई, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। ओम प्रकाश राजभर ने कुशीनगर में दिया बड़ा हुंकार। कुशीनगर में ओम प्रकाश राजभर को है बड़ी उम्मीदें, जहां 5 सीटों को जीत सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। सुभाषपा के साथ ओम प्रकाश राजभर ने भी एक बड़ा बयान दिया था कल के दिनों में। उन्होंने एक दौरान हेलीकॉप्टर से वो और अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उस दौरान कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर के पास आने की पेशकश दी तो कहा कि बहुत जल्द जीत कर आऊंगा, 10 हेलीकॉप्टर लाऊंगा, सबको एक एक कर घुमाऊंगा। बड़ी खबर, बड़ी खबर आ रही इस वक्त। AIM चीफ अशुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में जनता का मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। क्या आजमगढ़, क्या अलीगढ़, इन सभी जिलों के अंदर जहां अशुद्दीन ओवैसी को जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर वह उतर पाएंगे। इन सभी चीज़ों के बीच में जहां आपको बता दें कि इस बार आजम खान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे और इसके साथ उनके वोट बैंक में सिंधमारी ओवैसी करते हुए नजर आ रहे हैं।
बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़े युद्ध के बीच में डिजिटल करेंसियों पर पड़ा बड़ा प्रभाव। डिजिटल करेंसियों की कीमत सीधे जमीन पर धड़ाम से गिरी, जिसके साथ निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपने 1,00,000 निवेश किया तो अब आपका पैसा सीधे 40,000 से 35,000 रुपए तक चला आया है। निवेशकों को जबरदस्त झटका लगा है इसको लेकर के। जी हाँ, बड़ी खबर निवेशकों के लिए आ रही है। जी हाँ, यूक्रेन और रूस के बीच में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बड़ा हुंकार। प्रधानमंत्री ने आज आपको बता दें कि महिला सुरक्षा और समेत कई चीज़ों के बारे में बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश में उन्होंने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़े युद्ध के बीच में भी भारतीयों ने दिखाया ताकत। भारत के तमाम नागरिकों को वापस ला रहे हैं, जिसमें माँ गंगा का नाम भला लगा हो वो भला योजना, वो भली मिशन कैसे फ्लॉप कर सकती है। इन सभी चीज़ों के बीच में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने निकल कराया। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून को और ज्यादा मजबूत और सख्त करने के लिए उठाया गया बड़ा कदम। ड्रोन के साथ ही जी हाँ, अब पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को दिया गया दिशा निर्देश। इसके साथ साथ अब पुलिस प्रशासन पर बड़ा दबाव और इसके साथ स्कूल के शिक्षकों पर बड़ा दबाव। कौन बेच रहा है दारू, किसके घर में है कितनी दारू, इसकी जानकारी शिक्षकों के साथ अब पुलिस प्रशासन पर भी देना होगा, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर निकलकर बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त प्रियंका गांधी के पति लड़ेंगे चुनाव, इस वक्त का एक बड़ा खबर निकल कर सामने आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जी हाँ, बड़ा खबर निकल कर आ रहा है। वाड्रा चुनाव लड़ेंगे और यह चुनाव लड़ने को लेकर के यूपी के मुरादाबाद की सीट निर्धारित की गई है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि वाड्रा कहां से चुनाव लड़ते हैं और क्या उन्हें जनता कितना प्यार देती है और किस तरीके से जीत देती है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन आप इसी वक्त जुड़ जाइए हमारे साथ। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त ममता बनर्जी ने दिखाया ताकत, कहा बनारस उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक योगी और मोदी का ताकत नहीं दिखा देती। योगी और मोदी का ताकत मैंने बनारस में भी दिखाया, लाख चाहे कुछ भी कर लिए लेकिन जीत का कामयाबी सर पर नहीं चढ़ा, जनता ने धुरकार कर हटाया। इसी तरीकों से उत्तर प्रदेश की जनता भी इन्हें धुरकार कर हटाएगी। उत्तर प्रदेश और बंगाल का एक अलग रिश्ता नाता है, इन रिश्ते नाते को बरकरार रखने के लिए आप हमारे साथ करें अखिलेश को वोट। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जी हाँ, आपकी जानकारी के बता दे दी कि आज पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की मजबूती देखी जा रही है। आ रहे रुझान और रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी को पंजाब में जीत का सबसे बड़ा शिखर मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और इसके साथ साथ कांग्रेस को भी झटका देने वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब में संपूर्ण तरीकों से कई सीटों पर अपनी जीत का इजहार पहले ही कर दिया है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त एलओसी में बात चल रहा है। इस दौरान जी हाँ, भारत से चीन ने की बड़ी पिचकस, बैठकर बातचीत करने का बनाया गया मूड। एलओसी विवाद को लेकर के भारत और चीन में एक बार फिर से वार्ता संभव। दोनों देशों के बीच में होगी वार्ता और उसके बाद में लिया जाएगा बड़ा और कठोर फैसला। चीन लगातार जी हाँ, भारत के सीमाओं के अंदर प्रवेश कर रहा है। इस दौरान लगातार दोनों देश के सैनिकों में झड़प की तस्वीरें भी सामने निकल कर आती रहती है। लेकिन एक बार चीन और हिंदुस्तान में भी आज वार्ता संभव। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। अखिलेश यादव को दिखा जबरदस्त ताकत, कहा गर्मी निकालने वाले लोगों की जनता ने निकाल दी गर्मी, अब पूरी तरीके से इनका खेल समाप्त हमने कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में गर्मी की लड़ाई जारी थी। इस दौरान जी अखिलेश यादव के तरफ से दिए गए नए बयान के अनुसार उनकी जीत हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन के पार मैं कर रहा हूँ जीत का हुंकार। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस बार जी हाँ, आपको बता दें कि आज जबरदस्त वोटिंग की गई है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर के मणिपुर में वोटिंग किया गया। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ 52 प्रत्याशियों उम्मीदवारों ने अपने नाम का नामांकन किया। ईवीएम के बटन ने दबी, दूसरे चरण के मतदान पर सबकी निगाहें टिकी रही। इस दौरान मणिपुर में होने वाले मतदान पर साफ तौर पर पुलिस प्रशासन ने भी सख्तियाँ दिखाया, किसी प्रकार से परिंदा भी पैर ना मार पाए इसकी चार चौबंद व्यवस्था थी।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त की, जहां रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़े युद्ध के बीच पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है। 1970 ईस्वी में जिस तरीके से पेट्रोल का अकाल सामने आया था, कुछ इस कदर ही पेट्रोल का अकाल देश में एक बार फिर से छाने लगा है। पेट्रोल जो है 170 रुपये प्रति लीटर पहुंच सकता है। इन सभी चीज़ों के बीच में पेट्रोल और डीजल की कीमत ने देश के अंदर सबसे ज़्यादा आग लगाने की तस्वीरों को साफ किया। लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ने की अंदेशा जताया गया। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस वक्त, जहां सोन व्यापारियों को हुआ सबसे ज्यादा जहां फायदा। इस बार सोने की कीमत में 490 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोने की चमक में 490 रुपए की और ज्यादा बढ़ोतरी के साथ व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन इसके साथ ही चांदी की कीमत में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो सोने की कीमत लगातार कुछ समय से नीचे जा रही थी, लेकिन आज 490 रुपए बढ़ती हुई नजर आई। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़े युद्ध के लेकर के एक बार फिर से खाने वाले सरसों तेल की भी कीमत बढ़ेगी। सरसों तेल की कीमत अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़े युद्ध के बीच लगातार 30 रुपए तक बढ़ी, लेकिन इस दौरान पाम ऑयल समेत कई ऑयल की कीमत बढ़ने वाली है। जहाँ लगातार कई प्रकार से तेल की कीमत बढ़ रही है, जिससे लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर निकल कर सामने निकल कर आ रही है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा और पेड़ लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए, देश की प्राकृतिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए सौर ऊर्जा के साथ साथ पेड़ पौधे लगाना जरूरी। अगर सौर ऊर्जा लगाएंगे तो इससे हमारे देश में व्यवस्थाएं ठीक हो सकेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुँच सकेगा। तो सौर ऊर्जा के तहत लोगों को जोड़ने की प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त की, दरअसल आपको बता दें यूक्रेन और रूस के विवाद लगातार जारी है। इस दौरान रूस और यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला आज 8वें दिन का है। इस दौरान विश्व युद्ध छेड़ने के भी आशंकाएं जारी कर दी गई है। आपको यह खबर विस्तार से बताते हैं। रूस यूक्रेन में छिड़े विवाद को लेकर के अब नाटो जो है वो अपना समर्थन दिखा रहा है। नाटो लगातार यूक्रेन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। नाटो को इस बात का उम्मीद है कि वह अगर यूक्रेन को पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है तो अब उसके बाद में जो नाटो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन नाटो 30 देशों का एक समूह है, जिस पर अगर रूस हमला करता है तो रूस पर 300 देश मिलकर के हमला करेंगे, जिससे निपटने के लिए रूस जो है वो परेशान हो सकता है। जिसको देखते हुए आज आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बैठक किया है। रूस और यूक्रेन के विवाद जो छिड़ा हुआ है, इसको कैसे रोका जाए, इन सभी चीजों को देखते हुए अब बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, बिहार के मदस्थ विभाग के मंत्री मुकेश सहनी अब फंसते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं मुकेश सहनी कि वह भाजपा को वोट ना करें, लेकिन होली के बाद अब एक बार फिर से मदस्थ विभाग के मंत्री मुकेश सहनी के ऊपर ठोस कार्रवाई कर सकती है भाजपा। भाजपा के ही सीटों पर अपने आप को मजबूत कर रहे मुकेश सहनी को अब मुकेश सहनी को झटका लग सकता है। इन्हीं सभी चीजों को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आई। किंग मेकर की भूमिका निभा रहे ओम प्रकाश राजभर को लगा जबरदस्त झटका। राजभर ने दर्द को बयान करने से भी झटकते हुए नजर आए। ओम प्रकाश राजभर जो किंग मेकर की भूमिका में है और लगातार वो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में वो सीटों को जीत रहे हैं, लेकिन यह बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि ओम प्रकाश राजभर का ताकत क्या है। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा इसी ताकत के साथ, इसी उम्मीद के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।